लड़की फोन नहीं उठा रही, इसने कहीं गलत नंबर तो नहीं दिया? नहीं जी, वो इसी नंबर से कॉल करती कभी भी। हेलो, मारुख बात कर रही हूँ। मारुख, आप कैसे याद किया? सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो मुझे तुम जैसे मामूली लोगों से बात करने की जरूरत ना पड़ती। मुझे बताओ इफ्रा कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है वो साहिर के साथ भाग गई है। अब तो आपको रहमर साहब को यकीन आ गया होगा कि मैंने सच कहा था। इफ्रा का और साहिर का बड़ा पुराना चक्कर है। सुनो लड़की, वो घर जा चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। क्या साहिर वाली बात सच है? मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए कॉल नहीं की। वो जैसे ही आए मुझे इतला देनी है तुमने। उसे रोक के रखना और खबरदार जो तुमने उसे कहीं जाने दिया तो। पर मेरा क्या फायदा है सब में? आप जाने और इफ्रा जाने। मुंह मांगी कीमत दूंगी। वैसे भी तुम मामूली लोगों को पैसों की ही जरूरत होती है ना? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने पैसे चाहिए दूंगी। बस इफ्रा मुझे मिलनी चाहिए।